हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विजन आईएएस पीटी 365 पॉलिटी के करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स दोस्तों आपके 2022 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए। दोस्तों पॉलिटी के टॉपिक्स में हमने लास्ट लेक्चर्स में इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर जितने भी टॉपिक्स थे इनको कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर के जरिए हम जुडिशरी में जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जुडिशरी में दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ को लेकर। ये न्यूज में क्यों रहा, सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिलीवर करा एक लेक्चर किसके ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने बोला, द स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो इसीलिए ये न्यूज में रहा है। अब समझते हैं रूल ऑफ लॉ होता क्या है। दोस्तों एबी डाइसी के अनुसार रूल ऑफ लॉ मींस एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्बिट्री पावर। तो याद रखिए, रूल ऑफ लॉ में हमेशा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करा जाता है, आर्बिट्री पावर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता, तभी हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ चल रहा है। ये एक्सक्लूड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेनेस। आर्बिट्रेनेस मतलब समझते हो ना, मनमानी नहीं चलेगी, जो रूल्स में लिखा है भाई वही चलेगा, कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं चला सकता। और इवन ऑफ वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, तो दोस्तों कोई भी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नहीं चलेगी रूल ऑफ लॉ के सामने। ओनली अ स्टेट दैट इज गवर्न्ड बाय लॉ इम्बाइबिंग आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी कैन बी सेड टू हैव द रूल ऑफ लॉ। यार कि वो स्टेट जो कि गवर्न हो रहा है किसके द्वारा, जस्टिस और इक्विटी के द्वारा, तभी हम कह सकते हैं कि उस देश में या उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ चल रहा है। अगर उसमें जस्टिस नहीं है ना इक्विटी है तो आप कह ही नहीं सकते कि वहां पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करा जा रहा है। द ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ थ्योरी कैन बी ट्रैक्ड बैक टू एंशिएंट रोमन्स। याद रखिए, रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है आप एंशिएंट रोमन्स के टाइम से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक, याद रखिए एंशिएंट रोमन्स के टाइम पर ही पहला रिपब्लिक फॉर्म हुआ था। इट हैज सिंस बीन चैंपियंड बाय द सेवरल मेडिवल थिंकर्स इन यूरोप। और आपको पता है यूरोप में बहुत सारे मेडिवल थिंकर आए थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की थ्योरी को प्रोपोगेट करा भी था, जैसे कि हॉब्स नाम है, जॉन लॉक है, आप एथिक्स में इन सबके नाम पढ़ते होंगे दोस्तों, एथिक्स का जो पेपर है। और इसके अलावा अगर आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो उसमें भी आपने इनके नाम पढ़े होंगे, इन्होंने रूल ऑफ लॉ को एडवोकेट करा था। इसके अलावा रोजी हो गया थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी और उसके जरिए रूल ऑफ लॉ को एक तरीके से प्रचार प्रसार करा था। इंडियन फिलोसोफर सच एज चाणक्य, भारत में दोस्तों एक फिलोसोफर थे चाणक्य, इन्होंने भी ऑल्सो एस्पाउज द रूल ऑफ थ्योरी इन बाय मेंटेनिंग द स्टेट इज गवर्न नॉट बाय रूलर और द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बट बाय द लॉ। तो चाणक्य ने भी बोला था कि जो एक स्टेट है वो कैसे गवर्न होता है, रूल ऑफ लॉ के जरिए गवर्न होता है। याद रखिए, जो भी है रूल ऑफ लॉ उसके जरिए गवर्न होता है, ना कि कोई रूलर उस पर बैठता है तब गवर्न होता है या ना कोई रिप्रेजेंटेटिव। समझे कि नहीं समझे, इन्होंने बोला था कि कोई भी स्टेट जो है वो रूल की वजह से चलता है, ना कि कोई राजा बन गया या कोई चुन लिया तुमने उसकी वजह से चलेगा। समझे कि नहीं समझे, इसलिए रूल ऑफ लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल दे लेगलाइट। तो याद रखिए, जो रूल ऑफ लॉ का एक तरीके से प्रिंसिपल है ये फ्रेंच से डिराइव है, ठीक है, ला प्रिंसिपल दे लेगलाइट, इसका मतलब है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ को, जिसको आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे अगर रूल ऑफ लॉ होगा किसी देश में तो एंश्योर करेगा सोशल जस्टिस को, प्रिजर्व करेगा डेमोक्रेसी को। भाई रूल ऑफ लॉ की वजह से तो डेमोक्रेसी चल रही है, जिस दिन भाई रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो होगा इंडिया में उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कंस्ट्रेंट ऑन द आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, है ना, रुकावट डालता है कि कोई अपनी मनमर्जी से पावर का इस्तेमाल ना कर सके। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट पे भी कुछ ना कुछ मतलब कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, रुकावट पे, हमारे प्रधानमंत्री पे भी, तो मतलब हर किसी पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं रूल ऑफ लॉ ने। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हैं, एंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं रूल ऑफ लॉ के। थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, याद रखिए ये तीन चीजें होंगी तभी हम मानेंगे कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, भाई सबसे ऊपर लॉ होना चाहिए, उसके सामने मतलब कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए। नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर द डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, याद रखिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, याद रखिए, जब भी रूल ऑफ लॉ होगा तब, कब, जब इक्वालिटी होगी सभी को, नो मैन इज अबव द लॉ। तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल
एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये तीन चीजें होंगी दोस्तों, तभी हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ चल रहा है। अब समझ लेते हैं रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। इन एसेंस रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड, व्हाइल द रूल बाय लॉ इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। समझ में आया कि भाई जो भी सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, अगर सुप्रीम मेकिंग अथॉरिटी सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, यही लॉस बनाते हैं भाई, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के भी ऊपर कुछ कंट्रोल लगा हुआ है कि आप इससे बाहर जाकर रूल नहीं बना सकते। तो यानी लोकसभा और राज्यसभा भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रूल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, रूल बाय लॉ का मतलब होता है इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। तो याद रखिए, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगी वो लॉ बनाएगी, उसका मर्जी होगा वो चलाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, वो मन मर्जी चाहे जो लॉ बना सकती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, फिर से एक बार रीड कर देता हूं। इन एसेंस द रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड, व्हाइल द रूल बाय लॉ इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड व्हेन द लॉज आर गाइडेड बाय आइडियल्स जस्टिस इक्विटी। समझे कि नहीं समझे, देखिए जब लॉ जो है जस्टिस और इक्विटी को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं तब हम कहेंगे कि भाई रूल ऑफ लॉ चल रहा है, क्योंकि भाई रूल बना रहे हो उसको भी रूल बनाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्रोहिबिटेड। देखिए हमारे आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है कि सरकार जो है किसी भी बंदे के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती उसके रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। अगर कोई ऐसा कानून बनता है इसका मतलब हमारा जो लोकसभा या राज्यसभा ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए जो भी कानून बनते हैं इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसीलिए हमारे संविधान में DPSP दिए गए हुए हैं ताकि इनको प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया जा सके। तो भारत में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। On the other hand, rule by law can embody ethics as well as unethical laws. तो याद रखिए, rule by law में क्या होता है? आप ethical laws भी बना सकते हो, इसके अलावा unethical laws भी बना सकते हो। Example दिया हो जैसे कि the apartheid regime in the South Africa was justified based on the enacted laws. तो याद रखिए, South Africa में जब अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे तो वो रंग भेद की नीति अपनाते थे। क्यों रंग भेद की नीति अपनाते थे लोग? क्योंकि उन लोगों ने कानून बना रखे थे उसको लेकर जो कि अनएथिकल था। समझे कि नहीं समझे, रूल ऑफ बाय लॉ में अनएथिकल कानून भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास ही मन मर्जी है जो भी लॉ बनाए या ना बनाए। अगला है की प्रिंसिपल्स दैट एम्फसाइज द रूल ऑफ लॉ। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि एम्फसाइज करते हैं रूल ऑफ लॉ को? पहला है दोस्तों, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। ये पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप लॉ बनाओ वो क्लियर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। लॉज टू बी वर्डेड इन सिंपल अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, यानी सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और उसमें कोई मतलब अनएम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर होना चाहिए रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। तीसरा है राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रीअफर्मेंट ऑफ लॉज। और चौथा है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो रूल ऑफ लॉ हम बोल नहीं सकते कि चल रहा है। एंश्योरिंग दैट लॉज विच आर इनेक्टेड आर इन द लाइन ऑफ द विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी समझ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज एम्बेडेड इन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारत के संविधान में भी रूल ऑफ लॉ जो है एम्बेडेड कराया गया है। जो हमारा संविधान बना है वो भी दोस्तों रूल ऑफ लॉ की वजह से बना था। आपको पता ना प्रॉपर कमेटी बनाई गई थी, रूल्स फॉलो करे गए थे ना भाई, हम लोगों ने लॉ बनाने के लिए भी प्रॉपर रूल्स फॉलो करे गए थे कि हम लोगों ने इलेक्ट तो नहीं कहेंगे बट इनडायरेक्ट इलेक्शन करके बंदों को चुना था। तो प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए हमने भारत का संविधान बनाया था। अब देख लीजिए हमारे संविधान में कौन कौन से एक तरीके से कह सकते हैं फाउंडेशनल पिलर्स हैं रूल ऑफ लॉ को लेकर। रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि भाई रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसे लोकसभा ना ही राज्यसभा वायलेट कर सकती हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 13 जो है प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ, यानी जो भी अगर कानून लोकसभा या राज्यसभा ने बना दिए उसको रिव्यू कर सकते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 14 एंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी देखिए रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना आप मेंस में एग्जाम कर सकते हैं कि भाई
मेंस में मतलब राइट कर सकते हैं कि भाई कैसे भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ को फॉलो करा जा रहा है। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है चेक अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, ताकि भाई रूल ऑफ लॉ को फॉलो करा जा सके। आर्टिकल 50 जो है प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये दोस्तों यूपीएससी के 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल कौन सा है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को बांटता है। तो याद रखिए डीपीएसपी में आर्टिकल 15 है, ये पावर को अलग करता है। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी रूल ऑफ लॉ का ही एक हिस्सा है। अगला टॉपिक है वो है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। ये समझ लेते हैं न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि नो लॉ कैन टेक अवे कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेंप्ट। यानी कोई भी लोकसभा या ना राज्यसभा ऐसा कानून बना सकती है जिसके जरिए वो कंटेंप्ट ऑफ मतलब पनिश कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के वजह से कोर्ट जो है पनिश कर सके, ऐसी पावर नहीं ली जा सकती है। आसान भाषा में फिर से बोलता हूँ कि भाई ना तो राज्यसभा, ना ही लोकसभा, ना ही कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कानून बनाएगी जिसके जरिए जो कोर्ट है उसकी पनिश करने की पावर किसको लेकर, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को लेकर पनिश करने की पावर ली जा सके। ठीक है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट होता क्या समझ लीजिए दोस्तों। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है refers to offense of showing disrespect to dignity authority of the court। simple सी भाषा है कि अगर आप court की dignity को authority को एक तरीके से क्या कर रहे हो, disrespect कर रहे हो, तो उसी को कहेंगे contempt of court। और ये आप जो है disrespect कैसे कर सकते हो, बोल कर भी कर सकते हो, लिख कर भी कर सकते हो, अलग अलग माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लिए जी। आर्टिकल 261 क्या कहता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शेल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये आर्टिकल 261 कहता है। आर्टिकल 19 कहता है कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी लोगों पे, कोई फ्रीडम नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोर्ट की बेइज्जती करो, कोर्ट ने जो भी रूलिंग दे दिया आप रिस्पेक्ट करो, एक बार कोर्ट ने जो भी जजमेंट दे दिया उसके बाद कोई उसके ऊपर मतलब सवाल नहीं उठाएगा। आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो पॉजिटिव वे में, लेकिन एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 129 और 215 क्या कहता है, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। ये दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पनिश फॉर कंटेंप्ट ऑफ कंटेंप्ट रिस्पेक्टिवली। याद रखिए आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेंप्ट और सीक एनी पर्सन्स अटेंडेंस। लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लाया गया था। ये डिफाइन करता है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट। याद रखिए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिफाइन नहीं करा गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सिविल कंटेंप्ट। सिविल कंटेंप्ट में आप किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर आप उसको डिसोबे करते हो तो उसे कहेंगे सिविल कंटेंप्ट। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेंप्ट। क्रिमिनल कंटेंप्ट में आप क्या करते हो, स्कैंडलाइज करते हो कोर्ट को। इसके अलावा इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो ये भी क्रिमिनल कंटेंप्ट में आएगा। और 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और ₹2000 फाइन कैन नॉट इनिशिएट कंटेंप्ट प्रोसीडिंग्स पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिज्ड कंटेंप्ट। तो ये सारे के सारे आते हैं क्रिमिनल कंटेंप्ट में। अब हम समझ लेते हैं मोर ऑन न्यूज, इसमें न्यूज के बारे में समझते हैं, ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 142 एंड 129। याद रखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन तय कराया कि 142 और 129 आर्टिकल में क्या डिस्टिंक्शन है, और स्टेट करा दैट पावर टू पनिश फॉर कंटेंप्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर व्हिच कैन नॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट। समझे, जो मैं अभी इतनी देर से बता रहा था कि ना ही कोई कानून बना के ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास जो दी हुई है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की इसको वापस लिया जा सकता है। और याद रखिए इन्होंने बोला कि जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। वाइल पावर टू पनिश फॉर एनी कंटेंप्ट ऑफ इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 142 इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर एनएक्टमेंट। ठीक है, देयर इज अ नो सच रेस्ट्रिक्शंस एज फार एज आर्टिकल 129 इज कंसर्न्ड। तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दोस्तों जो पावर है पनिश करने की फॉर एनी कंटेंप्ट ऑफ इटसेल्फ, याद रखिए इटसेल्फ को कोई भी कंटेंप्ट है उसको लेकर पनिश करने की जो पावर है अंडर आर्टिकल 142 ये सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। लेकिन आर्टिकल 129 के तहत कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो किसे पनिश करे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंटेंप्ट और किसे नहीं। तो याद रखिए 129 जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट पावर है सुप्रीम कोर्ट की। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, याद रखिए यहाँ पे देख सकते हैं फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर आप
फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हो और एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, मेरिट ऑफ जजमेंट, तो याद रखिए ये सारे के सारे बोल रखे कि अगर आप ऐसा करते हो तब हम उसे आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मानेंगे किसी भी बंदे का। अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये न्यूज में रहा है, पहले न्यूज में क्यों रहा उसको समझते हैं, क्योंकि हाल ही में सेंटर ने अप्रूव कर दिया है 9 नेम्स को, याद रखिए 9 नेम्स को, ये जो है 9 नेम्स सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तौर पे अपॉइंट करे जाएंगे, और इसमें दोस्तों 3 वुमेन है, तो याद रखिए टोटल 9 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करा जाएगा जिसमें से 3 वुमेन है, इसीलिए ये न्यूज में रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी कैसे होता है। दोस्तों आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। याद रखिए 217 के तहत जितने भी जजेस हैं वो हाई कोर्ट में अपॉइंट करे जाएंगे, और 124 सब क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। दोस्तों अंडर बोथ प्रोविजंस द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स। याद रखिए किसके पास पावर है अपॉइंटमेंट की, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी मतलब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। पहले प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेगा किसके साथ, विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करेगा, एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स एज प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। तो दोस्तों हाई कोर्ट के जजेस से भी कंसल्ट कर सकता है जैसा उन्हें नेसेसरी लगता है। दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर भारत में 3 केसेस आए थे याद रखिए, और इनको 3 जजेस के केस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आया था 1981 में एक केस आया था, 1993 में आया था और 1998 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का जो सिस्टम है इसको इवॉल्व करा था, इसकी रचना करी थी, जो कि आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम ही जो है भारत में जजेस को अपॉइंट करता है। कॉलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर कमिटी ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 3 मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट टेक डिसीजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। याद रखिए कॉलेजियम जो है टोटल 5 मेंबर से मिलकर बनाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 3 मेंबर्स होते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो हाई कोर्ट के भी 3 जजेस को शामिल करा जाएगा। वंस द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज एंडोर्स्ड द रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टू मेक सच अपॉइंटमेंट विद इन 3 to 4 वीक्स ऑफ रिसीविंग द कॉलेजियम्स डिसीजन। गवर्नमेंट कुड रिटर्न कॉलेजियम्स रिकमेंडेशन बट इफ सेंट अगेन गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट। याद रखिए कॉलेजियम अगर एक बार किसी जजेस का नाम भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार उन नाम को रिटर्न कर सकती है इस कॉलेजियम के पास, लेकिन अगर कॉलेजियम उन नाम्स को वापस भेजती है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन जजेस को अपॉइंट ही करना है। अब समझ लेते हैं भारत में दोस्तों सेक्स रेशो क्या है जजेस को लेकर, ठीक है, इन लोअर जुडिशरी में सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों जो भारत में लोअर जुडिशरी है इसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन 28% है, यानी 28% मात्र जजेस मिलेंगी आपको लोअर जुडिशरी में। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे अभी भी जुडिशरी जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, वो उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना कम है। लेकिन आप देखिए एवरेज सेक्स रेशो ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी जिनमें कौन कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। याद रखिए लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो और भी हालत जो है बहुत बुरी है। देखिए ना सिर्फ और सिर्फ 12% जो है फीमेल जजेस मिलेंगी आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बहुत ही कम है। और अभी मात्र 3 जो वुमेन अभी अपॉइंट करी गई ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैंने बताया ऊपर टोटल 9 जजेस अपॉइंट करे जाएंगे, 9 में से 3 होंगे, और इन तीनों को और एक और को मिला के टोटल 4 जजेस ही आपको अभी सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 जजेस हैं, सोचिए। कुछ रिलेटेड न्यूज भी देख लेते हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इनको ट्रांसफर करा गया है मेघालय हाई कोर्ट में, याद रखिए, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। अब समझते हैं ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में ट्रांसफर ऑफ जजेस कैसे होता है। आर्टिकल 2 याद रखिए, आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। तो याद रखिए हाई कोर्ट में ट्रांसफर जो होता है आर्टिकल 222 के तहत होता है। इनिशिएशन ऑफ द प्रपोजल, यानी कैसे प्रपोजल की शुरुआत होती है। दोस्तों इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ जज शुड बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिए, हुज ओपिनियन इन दिस रिगार्ड इज डिटर्मिनेटिव। कंसेंट ऑफ जज फॉर दिस फॉर द फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। तो याद रखिए जिस जज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका मर्जी आपको लेना जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द ग्राउंड फॉर और प्रोसीजर बाय विच सच पावर इज टू बी एक्सरसाइज। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा डिटेल प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ कि जिसके जरिए आप किसी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं।
Power to select, appoint and transfer judge is derived from Supreme Court's verdict in three judges cases, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तीन केसेस हुए थे जिसको लेकर अपॉइंटमेंट को लेकर बात करी गई थी. From various Supreme Court judgments on the subject of the judges transfer following appoints emerged. तो बहुत सारे दोस्तों याद रखिए, जज के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बहुत सारे पॉइंट दिए. पहला दिया है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ अ जज कैन नॉट बी पिनिटिव मेजर. दूसरा है, ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड ओनली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. और तीसरा बोला है, ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इफेक्टिव कंसल्टेशन. अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए अभी प्रपोजल रखा गया कि हम लोगों को ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना चाहिए. समझते हैं न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिपेयर कर रही है दोस्तों, टू गिव अ फ्रेश पुश टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज और द लोअर जुडिशरी ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज. जैसे आजकल IAS IPS वगैरह की मतलब एग्जाम के जरिए उनकी अपॉइंटमेंट होती है, ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी जजेस हैं ना, उनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहिए, जिसका नाम हम रखेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. ठीक है, अब समझ लेते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है क्या. दोस्तों, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एन इनिशिएटिव टू रिफॉर्म जुडिशरी बाय सेंट्रलाइजिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द जजेस. तो याद रखिए, अभी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं वो अपॉइंट कैसे करे जाते हैं, जो आपको पता है स्टेट लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन है अपॉइंटमेंट के लिए, स्टेट लेवल पे आपको पता है जैसे कि UPPCS है ना, UPPCS एग्जाम करवाती है, यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही एक तरीके से आप कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे उनके लिए जजेस को चुनेगी. लेकिन तो कहने का मतलब यह है कि हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस को चुनने का तरीका है वो अलग अलग है. तो इसके जरिए दोस्तों याद रखिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के जरिए हम एक तरीके का सेंट्रलाइजिंग रिक्रूटमेंट बनाना चाहते हैं मैकेनिज्म, जिसके जरिए एक एग्जाम दो और पूरे भारत में आपको कहीं भी जज बनाया जा सकता है एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल स्टेट्स. इन द सेम वे एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स अ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एलोकेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट टू एग्जीक्यूटिव. तो UPSC की तरह ये करवाना चाहते हैं दोस्तों एग्जाम. Judges of the lower judiciary are proposed to be recruited centrally and assigned to states. तो centrally हम उनको recruit करेंगे और उसके बाद हम states को announce कर दे, क्या कहते हैं, assign कर देंगे. अभी जो है दोस्तों, at present various high courts and state service commission, मैं बता रहा था ना, state service commission जो है वो exam hold करते हैं और recruit करते हैं judicial officers को. ये तरीका अभी अपनाया जा रहा है. Background समझते हैं all India judicial service का, ये कैसे idea दिमाग में आया लोगों के. दोस्तों, द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विस वॉज फर्स्ट मूटेड इन 14th लॉ कमीशन 1958 रिपोर्ट ऑन द रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. दोस्तों याद रखिए, इसका आइडिया जो है 14th लॉ कमीशन के दौरान ही आ गया था, 1958 की रिपोर्ट के दौरान. और इसी में इन्होंने बात कर दी थी कि हम लोगों को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की जरूरत है. इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया था, इसने अमेंड करा था आर्टिकल 312 सब क्लॉज 1 को, और इसने एम्पावर करा था पार्लियामेंट को टू मेक लॉज for the creation of one or more all India services including an all India judicial services. ठीक है, इसमें भी बात करी गई थी कि हम लोगों को all India judicial service बनाने की जरूरत है जो कि common होगी to the union and states. The purpose of the constitutional amendment was to ensure uniformity in standard of selection and to attract the bright and young talent in judiciary so that fair trial and speedy justice made available to every citizen throughout the India. अब समझते हैं 2006 में भी दोस्तों, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस इन इट्स 15th रिपोर्ट बैक द आइडिया ऑफ पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस. तो इन्होंने भी ये जुडिशियल सर्विस का जो आइडिया था इसको बैक करा था. किसने? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ने. जुडिशियल व्यू ऑन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, याद रखिए जुडिशरी का क्या व्यू है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर, इसके बारे में समझते हैं. 1992 में सुप्रीम कोर्ट इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था. इसमें दोस्तों डायरेक्ट करा था सेंटर को टू सेट अप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. फर्दर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वाज कंसीडर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन बेटर नोन एज जस्टिस शेट्टी कमीशन. तो इसके द्वारा भी बोला गया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन हम लोगों को एस्टेब्लिश करना चाहिए. 2017 में सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निज ऑफ द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड मूटेड सेंट्रल सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म. तो 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को एक तरीके से क्रिएट करिए. ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं रिसेंट रिक्रूटमेंट मेथड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अभी दोस्तों हाल ही में करंट मेथड कौन कौन से इस्तेमाल करे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए। आर्टिकल 233 और 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट। तो याद रखिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने का एक तरीके से पावर है वो किसके पास है, स्टेट्स के पास है, ठीक है। और 233 और 234 के तहत अपॉइंट करे जाते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कंडक्ट करा जाता है बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो ये दोनों मिलकर एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। सिंस द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर द सबॉर्डिनेट ज्यूडिशरी इन द स्टेट, पैनल्स ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट्स आफ्टर द एग्जाम एंड सेलेक्ट देम फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। ऑल जजेस ऑफ द लोअर ज्यूडिशरी अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर सिलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल सर्विस एग्जाम। तो ये एग्जाम का नाम है जिसके जरिए एग्जाम होता है, उसके बाद में जो बंदा सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है ट्रिब्यूनल्स। इसके बारे में समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि पार्लियामेंट हैज पास्ड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा था। अब समझ लेते हैं इस एक्ट के बारे में। ये जो है रिप्लेस करेगा, याद रखिए इट रिप्लेसेस द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। तो याद रखिए 2021 में ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ को ऑर्डिनेंस कहते हैं और परमानेंट लॉ को एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसी को एक तरीके से रिप्लेस करेगा। अब समझ लेते हैं इस एक्ट के हाईलाइट, याद रखिए हाईलाइट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, द एक्ट डिसॉल्व सर्टेन एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज अंडर वेरियस एक्ट एंड ट्रांसफर्स देयर फंक्शन टू द एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडी। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल या अपीलेट बॉडीज बनी हुई हैं दोस्तों, जिनके जो फंक्शन है और पावर है उनको एक तरीके से छीन लिया जाएगा और जो भी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज हैं उनको वो पावर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं किस किस की पावर ली जाएगी। दीज इंक्लूड द सिनेमेटोग्राफी एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट एंड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब की पावर ली जाएगी और जो भी लोकल जुडिशियली है जुडिशियल बॉडीज हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। अ टर्म ऑफ ऑफिस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स विल बी 4 years। याद रखिए जो भी ट्रिब्यूनल्स के मेंबर होंगे और चेयरपर्सन होंगे उनका 4 साल का कार्यभार होगा, सब्जेक्ट टू एन अपर एज लिमिट ऑफ 70 years। तो अपर लिमिट की एज क्या है, 70 साल रखी गई है फॉर द चेयरपर्सन एंड 67 years फॉर द अदर मेंबर्स। समझे कि नहीं समझे, जो भी चेयरपर्सन होगा ट्रिब्यूनल्स का उसकी रिटायरमेंट एज 70 साल होगी और जो दूसरे मेंबर होंगे उनकी 67 years होगी, ठीक है। अर्लियर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 व्हिच प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ 4 years फॉर मेंबर्स एज इट वाज कंट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द एक्ट स्पेसिफाई करता है दैट पर्सन शुड बी एटलीस्ट 50 years ऑफ एज टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन और मेंबर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ट्रिब्यूनल के बारे में इसके फीचर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आपको पता ना, ट्रिब्यूनल जो होते हैं कासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, नीदर कोर्ट नॉर एग्जीक्यूटिव। देखिए आपको पता है भारत में अलग अलग टॉपिक को लेकर भारत में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। अब वो सारे केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैंडल करने लगे तो भाई उनकी तो सर फटने लगेगा। तो भाई इन्हीं केसेस को सुधारने के लिए कुछ दोस्तों सिविल केसेस होते हैं उनको एक तरीके से सॉल्व करने के लिए भारत में ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। और बहुत सारे सिविल केसेस होते हैं, मैंने अभी बताया ना कॉपीराइट एक्ट हो गया, कस्टम हो गया, इनको लेकर इश्यूज चलते रहते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ही एक तरीके से कासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जाती है। ये ना तो कोर्ट होते हैं ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, बस इनका गठन इसलिए करा जाता है ताकि जो भी केसेस पेंडिंग है उनको सॉल्व किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है दोस्तों, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ ट्रिब्यूनल्स के बारे में। दोस्तों इंसर्ट करा गया था वाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए 42nd अमेंडमेंट करा गया था भारत के संविधान में 1976 में। इसमें इसके जरिए हम लोगों ने ऐड करा था आर्टिकल 223A एंड 223B। 223A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है और 223B जो है अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स का आप गठन कर सकते हो इसके लिए बोला गया था। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पीसीएस वगैरह एग्जाम में कि ट्रिब्यूनल्स का गठन जो है कौन से आर्टिकल के तहत करा जाता है। तो याद रखिए 223A और 223B के तहत। फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, याद रखिए नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो करते हैं और पावर ऑफ सिविल कोर्ट की होती है, समझे कि नहीं समझे। और इनको ट्रिब्यूनल्स को रिकमेंड करा किसने था, याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था कि भारत में ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है
मीडिएशन बिल 2021। तो ये बिल लाया गया था, इसके बारे में समझते हैं। ये न्यूज में क्यों रहा? द बिल वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी, इसीलिए ये न्यूज में रहा था मीडिएशन बिल। अब इस बिल के बारे में समझ लेते हैं, ये बिल करना क्या चाहता है। बिल सीक्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट मीडिएशन, है ना, मीडिएशन मतलब समझते हैं ना, मध्यस्था, बिचौलिए का काम करना। तो ये जो बिल है फैसिलिटेट करना चाहता है मीडिएशन को, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन। कौन से मीडिएशन को प्रमोट करना चाहता है? इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन को स्पेशली ये प्रमोट करना चाहता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स कमर्शियल और अदरवाइज एंड एनफोर्स मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट। तो दोस्तों जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको एक तरीके से सॉल्व करना और मीडिएट करवाना और सेटलमेंट करवाना अग्रीमेंट्स को, ये इसका काम होगा। ये जो है प्रमोट करेगा एन इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस विच कैन इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। आपको पता है ना बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलते हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये एक तरीके से मीडिएशन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करेगा, और इसके जरिए हमारे भारत में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा। प्रेजेंटली देर इज नो कॉम्प्रेंसिव लॉ गवर्निंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ADR मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। तो भारत में दोस्तों ADR को लेकर कोई भी एक तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, याद रखिए। तो उसी को लेकर ये मीडिएशन बिल लाया गया है, ठीक है। की फीचर्स क्या है बिल को, इसको देख लेते हैं। ये दो है, ये जो बिल है एस्टैब्लिश करेगा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को, इसी के बिल के तहत एस्टैब्लिश करा जाएगा, और मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट भी जरूरी होगा। ड्यू रिकॉग्निशन टू ऑनलाइन मीडिएशन ये भी होगा, याद रखिए, ऑनलाइन मीडिएशन भी करवाया जाएगा। प्रोवाइड करेगा फॉर कम्युनिटी मीडिएशन, ठीक है, कम्युनिटी मीडिएशन के जरिए भी, कम्युनिटी के जरिए भी मीडिएशन करवाया जाएगा। पीरियड होगा क्या, 180 डेज फॉर कंप्लीटिंग द मीडिएशन प्रोसेस, 180 दिन का समय रखा जाएगा कि मीडिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करा जाएगा, और मीडिएशन फंड भी इसके तहत क्रिएट करा जाएगा। अब बार बार मीडिएशन की बात हो रही है, इसके बारे में समझ लेते हैं, और ADR की बात हो रही है। ADR यहाँ पे शब्द आया था ना, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ ADR, इसको समझ लेते हैं। ADR क्या होता है दोस्तों? ADR का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, समझे कि समझे, ये फुल फॉर्म है ADR का। ADR refers to any means of settling dispute outside courtroom. याद रखिए, जब आप कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा लेते हो तो उसी को कहते हैं alternative dispute resolution. मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप बाहरी एक मीडिएटर को बिठा लो और उससे बोल दो कि भाई तू मीडिएटर बन जा और तू हम दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको सॉल्व कर दे, उसी को कहते हैं alternative dispute resolution, ठीक है। ADR typically includes early neutral evolution, negotiation, conciliation, mediation and arbitrariness. याद रखिए ADR के अंतर्गत ही ये सारे के सारे आते हैं, याद रखिए, conciliation, mediation, arbitrariness, इनको आप समझते हैं ये होता है क्या है, arbitration क्या होता है ये समझते हैं। Arbitration दोस्तों एक ऐसा procedure होता है in which dispute is submitted by the agreement of the parties to one or more arbitrators. तो याद रखिए, एक मध्यस्थता करने वाला बिचौलिया ढूंढ लेंगे और उस बिचौलियों को बोलेंगे कि भाई देख, राम और श्याम के बीच में लड़ाई चल रही है, अब तू हम तेरे पास, हम जो है दोनों मिलके तेरे पास आते हैं बिचौलिए साहब, और तुम जो है हमारे को लेकर कुछ ऐसा जजमेंट दो जिसके जरिए ना तो इसको ज्यादा नुकसान हो ना मेरे को नुकसान हो, समझे कि नहीं समझे। दोनों पार्टी जो होती है एग्री करती है, देखिए, अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स हु मेक अ बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट। और ये जो मध्यस्थता करने वाला जो बिचौलिया होगा, ये जो भी डिसीजन देगा वो इन दोनों को बाइंडिंग होगा, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। अगला है कंसिलेशन। कंसिलेशन एक वॉलंटरी फ्लेक्सिबल कॉन्फिडेंशियल और इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसेस होता है यूजिंग विच पार्टी सीक्स टू रीच ऑन एमिकेबल डिस्प्यूट सेटलमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। इसमें भी दोस्तों न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है नोन एज द कॉन्सिलेटर, तो इसमें कॉन्सिलेटर कहा जाता है उसको, समझे कि समझे। ये एक वॉलंटरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्फिडेंशियल और इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसेस होता है। When they are ready, the disputing parties will ask the conciliator to provide them with non-binding. इसमें दोस्तों याद रखिए, non-binding settlement process होता है। ऊपर वाले में arbitration क्या होता है? Binding होता है। तो ये दोनों में difference है। बाकी तो सारी की सारी same चीजें हैं। बस इन दोनों में difference यही है कि ऊपर वाले का binding होगा, नीचे वाले का non-binding होगा। तीसरा है mediation। Mediation दोस्तों एक ऐसा procedure है in which neutral intermediary, the mediator helps the parties reach a mutually satisfactory settlement of their dispute. इसमें भी दोस्तों एक बिचौलिया ही होता है बीच का, और वो मदद करता है दो पार्टीज को एक सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट पे पहुंचने के लिए। The settlement is then recorded in an enforceable contract. याद रखिए, इसको enforce करा जाता है contract के जरिए, जो भी ये decision देगा mediator. As a matter of principle, a mediator will refrain from making any non-binding settlement proposals.
अगला दोस्तों देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज भी हैं, उनको भी समझते हैं। हाल ही में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिलीज करा विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नालसा एंड लीगल सर्विसेज ऐप, ये इन्होंने लॉन्च करा है, इसीलिए ये न्यूज में रहा है। अब समझते हैं नालसा है क्या। नालसा हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इसको कंस्टिट्यूट करा गया था। ये जो है प्रोवाइड करता है फ्री और लीगल सर्विसेज को टू द वीकर सेक्शन एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आपको पता है ना, भारत में देखिए बहुत सारे लोग गरीब हैं और उन सभी के लोग उन सभी को लेकर दोस्तों जुडिशियल सर्विस में वो आ नहीं पाते, यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाते, हाई कोर्ट में नहीं जा पाते, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई हम लोगों को नालसा क्रिएट करना चाहिए, जिसके जरिए हम जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उनको लोक अदालत के जरिए या एमिकेबल लोक अदालत के जरिए हम लोगों को उनके उनके जो भी डिस्प्यूट है, उनका जो भी केस है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। In 1976, government inserted Article 39A and with 42nd Amendment Act, which directs the state to provide free legal aid by suitable legislation of scheme. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि Article 39A कौन से amendment के जरिए add करा गया था संविधान में, 42nd Amendment के जरिए add करा गया था, और ये article जो है direct करता है कि state को कि आप जो है provide कीजिए फ्री और लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स। जो भी गरीब लोग हैं या वीकर सेक्शन के लोग हैं, आप उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कीजिए। सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट पास्ड लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट इन 1987, तो इन्होंने ये लॉ भी पास करा था। अब समझ लेते हैं लोक अदालत के बारे में। दोस्तों लोक अदालत इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज अ फोरम वेयर डिस्प्यूट्स केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एट द प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड कंप्राइज्ड amicably। तो अगर आपका कोई जो केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या उसमें याद रखिए दोस्तों प्री लिटिगेशन स्टेज में ही पेंडिंग है, तो आप वहां से जो है अपना केस विड्रॉ कर सकते हैं और आप इस लोक अदालत में जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका एक तरीके से सहमति से जो एक केस वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर LSA, याद रखिए LSA के तहत इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है, याद रखिए, ठीक है, लीगल सर्विस एक्ट के तहत। Under Legal Service Act, award decision made by Lok Adalat is deemed to be decree of civil court and is final। याद रखिए जो भी लोक अदालत फैसला देती है वो final होती है और binding होता है सभी party पे। देखिए ना, आप लोक अदालत में गए क्यों है, वहां से Supreme Court या High Court से अपना case withdraw करके, इसलिए तो गए ना कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी अपना solution पाना है। और अगर आप वहां पे चले गए एक बार और आप उसकी court की verdict को नहीं मान रहे, लोक अदालत की verdict को नहीं मान रहे, ये तो गलत बात हो गई। तो इसीलिए लोक अदालत का जो भी decision होता है वो binding होता है। And no appeal against such law अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसकी एक बार फैसला दे दिया लोक अदालत ने, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, समझे नहीं समझे। लेकिन नए तरीके से आप केस शुरू कर सकते हैं, याद रखिए, लेकिन एक बार उस केस पे एक बार फैसला दे दिया लोक अदालत ने, वो बाइंडिंग होगा पार्टी पर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देर इज नो कोर्ट फी पेबल व्हेन अ मैटर इज फेल्ड इन द लोक अदालत, याद रखिए अगर आप लोक अदालत में चले जाते हैं तो आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लोक अदालत जो है चीप मानी जाती है। In recent judgments, Supreme Court stated that Lok Adalats have no jurisdiction to decide the matters on merit. याद रखिए, Lok Adalat के पास merit को लेकर decide करने का कोई अधिकार नहीं है। Once the settlement or the compromise fails, Lok Adalat has to return the case to the court from which reference has been received. अगला है, United Nations Convention on International Settlement Agreement resulting from mediation, also known as Singapore Convention on Mediation, has come into force. तो याद रखिए, ये एक तरीके से सिंगापुर कन्वेंशन थी और मीडिएशन ये फोर्स में आ गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन इन जुलाई 2019, याद रखिए सिंगापुर कन्वेंशन को भारत ने साइन कर लिया है। हाल ही में दोस्तों रिसेंटली हेल्ड इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट, एड्रेसिंग द समिट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर प्रेस्क्राइबिंग मीडिएशन एज अ मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एवरी अलाउएबल केस। तो सुप्रीम कोर्ट के जब जिन्हें बोला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत में ही मीडिएशन के जरिए केसेस को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट यूएन ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर, याद रखिए ये पहली यूएन की ट्रीटी है जो सिंगापुर के नाम पर रखी गई है। द कन्वेंशन इज द इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रमोशन ऑफ मीडिएशन इज एन ऑल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव मेथड बाय रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट। तो दोस्तों ट्रेड डिस्प्यूट जो भी आते हैं उनको भी आप इस मीडिएशन के जरिए सॉल्व कर सकते हो, समझे नहीं समझे। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन मीडिएशन, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेनली द SDG 16।
जो बात करता है किसको लेकर, एसडीजी 16 किसको लेकर बात करता है, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को लेकर बात करता है। मीडिएशन इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कौन कौन सी दोस्तों, कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, द कोर्ट में रेफर द पेंडिंग केस फॉर मीडिएशन इन इंडिया अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और दूसरा है प्राइवेट मीडिएशन, क्वालिफाइड पर्सनल वर्क्स एज मीडिएटर्स और फिक्स्ड फी बेसिस, है ना, समझेंगे समझे, जो भी प्राइवेट बंदा है वो मीडिएटर का काम करेगा और उसको लेकर कुछ अपना पैसा चार्ज करेगा। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। आप समझ लेते हैं, पर्सन्स एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज, कौन कौन से लोग जो है फ्री लीगल सर्विसेज एड को पाने के लिए एलिजिबल है नालसा के तहत, है ना, मैंने ऊपर बताया था आपको नालसा, वुमेन चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ एससी एसटी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी, अ पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ एनुअल इनकम लेस देन रुपीज 5 लाख इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिए ये सारे के सारे लोग हैं जो कि फ्री और एलिजिबल, याद रखिए ये लोग एलिजिबल है किसके लेकर, फ्री लीगल सर्विसेज को लेकर ये लोग एलिजिबल हैं। अगला टॉपिक है वो हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया को लेकर, इसको समझते हैं, ये न्यूज में क्यों रहा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। दोस्तों हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज करा क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने बोला कि हम लोगों को नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी क्रिएट करने की जरूरत है। अब समझ लेते हैं नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के बारे में। NJIA's objective will be to take control of the budgeting and infrastructure development of the subordinate courts in the country. आपको पता है दोस्तों हमारे देश में सबोर्डिनेट जो कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए बने ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनको लेकर दोस्तों, तो इसीलिए तो हमारे सबोर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सरकारें हैं वो छोटे छोटे जो जजेस हैं यानी मत जजेस बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको बना ही नहीं रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद से इनिशिएटिव लिया कि भाई हम लोगों को तुम पैसा एलोकेट करो, बजट दो, और उसके जरिए जो भी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगी ये भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। की फीचर क्या है प्रपोजल के बॉडी के, याद रखिए की फीचर ऑफ द प्रपोज बॉडी, ये जो बॉडी है ना इसकी बात करी जा रही है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, इसके की फीचर्स क्या होंगे, ये जो है इट विल बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मॉडल, याद रखिए नालसा के रूप में एक तरीके से एस्टेब्लिश करी जाएगी, वेयर इट वुड वर्क एज अ सेंट्रल एजेंसी विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। नालसा प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस टू द, आपको पता है पुअर को, वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैविंग ओवरऑल नेशनल बॉडी अलॉन्ग विद सिमिलर एंटिटीज एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड बी द पेट्रोन इन द चीफ जस्टिस ऑफ NJIA and it would be placed under the Supreme Court of India. याद रखिए इसको Supreme Court of India के तहत place करा जाएगा, unlike NALSA which is under Ministry of Law and Justice. याद रखिए NALSA जो है Ministry of Law and Justice के अंतर्गत आता है। In the NJIA there would be a few High Court judges as members and some central government officials. तो ये भी clear रखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में, एक सेकेंड। Other steps taken by government to enhance judicial infrastructure. कौन कौन से step लिए गए हैं government के द्वारा जिसके जरिए ये judicial infrastructure को enhance करना चाहते हैं। पहला दोस्तों e-court mission mode project, ये government ने शुरुआत करा है, for the IC enablement of the district and subordinate courts. तो दोस्तों district court और subordinate court को एक तरीके से online लाया गया इस program के जरिए। Scheme for fast track special courts भी establish करे गए हैं, fast track courts. Launch of gram न्यायालय online portal ये भी शुरू करा गया है government के द्वारा। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स टू असेस द डाटा ऑफ प्रिपेयरनेस। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। तो जुडिशरी को लेकर दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई गई हैं, कौन कौन सी है देख लेते हैं दोस्तों। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट बिल्डिंग, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर जस्टिस जुडिशियल ऑफिसर्स इन ऑल अदर स्टेट एंड यूटी। यूनियन गवर्नमेंट है रिसेंटली एक्सटेंडेड द स्कीम फॉर द पीरियड फ्रॉम 2021 to 2026। याद रखिए ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी, इसको बढ़ा दिया गया 2026 तक। असिस्टेंस ग्रांटेड अंडर द स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम न्यायालय स्कीम्स एज पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर जुडिशियल डिलीवरी एंड लीगल सर्विस रिफॉर्म। ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट आर एस्टेब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। याद रखिए फॉर स्पीडी एंड ईजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। NMJDLR was set up in 2011 to increase access to justice by reducing delays and arrears in the system. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, क्या कोर्ट केसेस में जो भी कोर्ट में केसेस चलता है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी जाएगी।
ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज रिलीज इट्स ड्राफ्ट मॉडल रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है उसकी अब से लाइव प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, ऐसा बोला है ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट मॉडल रिलीज रूल्स को रिलीज करा है। अब समझ लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस के बारे में। दोस्तों, स्वपन पिल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 में एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स नोट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग सेइंग लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स आर अ पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में साफ साफ बोला गया था कि जो याद रखिए लाइव स्ट्रीमिंग की प्रोसीडिंग है ये पार्ट है किसका, राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था। एज पर विच सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रखता है। इसके अलावा हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। फ्यू हाई कोर्ट्स लाइक गुजरात हाई कोर्ट ऑलरेडी अलाउ सच लाइव टेलीकास्ट। याद रखिए गुजरात हाई कोर्ट ने ऑलरेडी लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। की प्रोविजंस क्या है ड्राफ्ट रूल्स, ये जो ड्राफ्ट रूल्स लेके आई है ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, इसमें की प्रोविजंस क्या है। पहला है दोस्तों, केसेस रिलेटेड टू मैट्रिमोनी सेक्सुअल ऑफेंसेस जेंडर वायलेंस एक्सेट्रा विल नॉट बी लाइव स्ट्रीम। तो दोस्तों जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जैसे कि मैट्रिमोनी को लेकर सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग करी नहीं जाएगी, इनको न्यूज पे नहीं दिखाया जाएगा। बाकी जो केसेस हैं उनको दिखाया जाएगा, जैसे ज्यादातर सिविल केसेस को दिखाया जाएगा। ठीक है, देयर शैल बी डिले ऑफ 10 मिनट्स इन स्ट्रीमिंग। याद रखिए अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ लाइव स्ट्रीम इज पनिशेबल अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, याद रखिए ये भी। अब दोस्तों अदर रिफॉर्म्स टू मेक जुडिशरी मोर एफिशिएंट एक्सेसिबल, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों, अदर प्लेटफॉर्म कौन कौन से बनाए गए हैं वो समझते हैं। एक है सुपेस। सुपेस दोस्तों है द सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये फुल फॉर्म है याद रखिए सुपेस का। इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल दैट कलेक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज मेक्स देम अवेलेबल टू जजेस। तो ये एक तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा है सुवास। सुवास क्या है दोस्तों, इट इज अ न्यूट्रल ट्रांसलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो याद रखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, आपको पता ना सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देता है, तो भाई जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है ये सुभाष जो है ट्रांसलेट करेगा। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ये भी शुरू करा गया है। वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन जुडिशरी बाय आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ कोर्ट्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, जिसको फास्टर कहा जाता है शॉर्ट में, फास्टर सिस्टम भी डेवलप करा गया है। इसके जरिए इंश्योर करा जाता है दैट अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज ऑन एंड बिहाइंड बार्स टू बी रिलीज बिकॉज द सर्टिफाइड एंड हार्ड कॉपीज ऑफ देयर बेल ऑर्डर्स वर लेट टू रीच द पर्सन। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद खत्म करेंगे। पावर्स ऑफ कोर्ट अंडर स्केड्यूल कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन of Atrocities Act 1989 Supreme Court SCST Act के तहत दोस्तों याद रखिए पावर क्या है, किसकी पावर ऑफ कोर्ट अंडर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के अंतर्गत क्या है दोस्तों वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा दैट कोर्ट कुड क्वाश प्रोसीडिंग्स इन SCST Act फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो है इनके पास पावर है, ये क्वाश कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स इन SCST Act फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 और दैट of High Court under Article 482 of the Code of Criminal Proceeding can be invoked to quash proceeding under SCST Act. ठीक है, Article 142 allow करता है Supreme Court to pass any order. याद रखिए pass any order necessary to do complete justice in any case. तो Supreme Court के pass power है कि Article 140 के तहत justice को deliver करने के लिए वो कोई भी order pass कर सकते हैं, ऐसा Supreme Court के पास power है। Section 482 confers similar powers to high courts. तो section 482 के तहत ऐसी ही power high courts को भी दी गई है कि अगर justice maintain करना है तो उसको लेकर वो कोई भी judgment दे सकते हैं। Supreme Court listed following situation where such quashing powers can be invoked. तो Supreme Court ने situations भी बता रखे हैं कि किन किन मामलों में हम लोग जो है quash कर सकते हैं, quashing करने की power होगी, यानी हम लोगों के पास judgment देने की power होगी justice deliver करने को लेकर। याद रखिए complete justice को deliver करने के लिए कौन कौन से केस, where it appears to the court that the offense is primarily private or civil in nature, ये पहला केस है। दूसरा has not been committed on account of the caste of victim, दूसरा ये कारण है। तीसरा
whether continuation of the legal proceedings would be an abuse of process of law. तो ये सारे के सारे केसेस हैं जहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्वाश कर सकता है पावर, ठीक है, क्वाशिंग पावर होगी उनके पास, ठीक है. If the court is satisfied that the underlying objective of SC/ST Act would not be contravened or diminished even if felony crime in question goes unpunished. अब समझ लेते हैं SC/ST Act के बारे में, बार बार इसकी बात हो रही है दोस्तों. ये जो SC/ST Act है जो prohibit करता है commission of offences against member of SC/ST and establish special courts for the trial of such offences and rehabilitation of victims, इसकी बात करता है. इसको अमेंड करा गया था 2018 में टू नलीफाई अ कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट डाइल्यूटेड द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. अगला टॉपिक जो न्यूज में रहा है वो है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, याद रखिए, जिसको शॉर्ट में NCA कहा जाता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पुशेस फॉर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, याद रखिए, जो हमारे अटॉर्नी जनरल है इन्होंने बोला कि हम लोगों को नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है एक तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहिए टू रिलीव प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उसको रिलीव करने के लिए हम लोगों को नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एस्टेब्लिश करना चाहिए. द आइडिया वॉज पुट फोर्थ ऑन द ओकेजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है. बहुत ही ईजी है दोस्तों. फॉर रिवाइवल ऑफ 11 ईयर ओल्ड प्रपोजल टू सेटअप 4 रीजनल NCA विद 15 जजेस. तो ऐसा बोला कि हम लोगों को रिवाइव करना चाहिए इस NCA का, यानी नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का, और हम लोगों को, याद रखिए, 4 रीजनल NCA विद 15 जजेस को एक तरीके से सेटअप करना चाहिए. इन्होंने ये प्रपोजल रखा है, किसने, अटॉर्नी जनरल ने. The idea was put forward by Supreme Court itself in 1986. याद रखिए, ये जो आइडिया है नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील का, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आइडिया दे दिया था 1986 में. एंड द लॉ कमीशन इन इट्स 229th रिपोर्ट, और लॉ कमीशन ने भी इसका आइडिया दिया था अपनी 229वीं रिपोर्ट में. अब समझ लेते हैं अबाउट प्रपोज्ड NCA के बारे में. NCA वुड एक्ट एज अ इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट बिटवीन द स्टेट हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो दोस्तों याद रखिए, आप अभी, आपको पता ना, अगर आप कोई केस जो है हाई कोर्ट में हार जाते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट जाते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन अब क्या होगा अगर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को एस्टेब्लिश करा दिया जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम करेगा. कहने का मतलब, अगर आप हाई कोर्ट में कोई केस हार गए, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे डायरेक्ट, आप जाएंगे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के पास. समझे कि नहीं समझे. इट विल हैव 15 जजेस ईच. और क्या होगा दोस्तों, इट विल एक्ट एज अ फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन डीलिंग विद द अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, एंड द ट्रिब्यूनल्स विद इन देयर रीजन इन सिविल, क्रिमिनल, लेबर एंड रेवेन्यू मैटर्स. तो ये सारे के सारे मैटर हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे. द जजमेंट्स ऑफ दीज कोर्ट्स ऑफ द अपील वुड बी फाइनल. तो दोस्तों जो भी जजमेंट दी जाएंगी इसमें वो फाइनल होगी. हाउएवर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCA में रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो याद रखिए, NCA को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. अगला है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में NLP कहा जाता है, ठीक है, NLP कहा जाता है. गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, याद रखिए, गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट कर रही है एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इन्फॉर्म दैट नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन टू ले डाउन गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग लिटिगेशन. आपको पता है भारत में बहुत सारे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो दोस्तों उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए इसकी स्थापना करी जा रही है. किसकी, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी की. अर्लियर लॉ मिनिस्टर हैज हैड लॉन्च्ड NLP इन 2010 विद द पर्पस दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन फ्रिवोलस लिटिगेशन स्पेशली वेयर द स्टेक्स आर नॉट हाई. द पॉलिसी वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड. सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका दोस्तों, द पॉलिसी एम टू ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट इन टू द एफिशियंट एंड रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट. Government in states and at the center are litigants in 46% of the total 3.4 crore cases in courts ranging from the district of the Supreme Court. आपको पता है ना, government भी litigant है, मतलब government के भी बहुत सारे issues रहते हैं Supreme Court और High Court में, जिसको लेकर वो, मतलब government, मतलब समझ रहे हैं ना, government के भी बहुत सारे issues रहते हैं जिसको लेकर वो Supreme Court और High Court में जाते रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछले topics में बताया था कि कैसे river को लेकर बहुत सारे जो states हैं आपस में लड़ते रहते हैं, state boundary को लेकर बहुत सारे states लड़ते रहते हैं, तो उनके भी बहुत सारे लिटिगेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग रहती हैं लिटिगेशंस. पॉलिसी विल सेव वैल्यूएबल कोर्ट टाइम बाय एनेबलिंग द एवरेज पेंडेंसी ऑफ केस इन कोर्ट रिड्यूस फ्रॉम 15 इयर्स टू 3 इयर्स. ठीक है, अब समझ लेते हैं स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस लिटिगेशन. कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए. पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ CPSE डिस्प्यूट्स. अगला है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लिया गया है. ये एक वेब प्लेटफॉर्म है फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग लिटिगेशन ऑफ यूनियन ऑफ द इंडिया. अगला है
The Commercial Courts Act 2015 was amended in 2018 for pre-institutional mediation and settlement. एक और है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो याद रखिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत में दोस्तों आपको पता है, फिर से बोल देता हूँ, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। तो उन्हीं केसेस को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से अलग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अगला है टैली लॉ, इसके बारे में समझ लेते हैं। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च करा सिटीजंस टैली लॉ मोबाइल ऐप को, ठीक है। टैली लॉ इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये इनिशिएटिव है टैली लॉ। इसको डेवलप करा गया था अंडर डिजिटल इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन द प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म इन द कंट्री, ठीक है। ऐप वर्जन ऑफ द सर्विस वुड हेल्प टू रेपिडली एक्सपेंड इट्स रीच, इट विल ऑप्टिमाइज सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। टैली लॉ लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट द बेनिफिशियरी विद द लॉयर्स इन पैनल टू सीक लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन फॉर अर्ली रिडर्सल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो ये काम होगा टैली लॉ का कि ये जो है टेक्नोलॉजी कनेक्ट करेगी लॉयर्स को बेनिफिशियरी के साथ। अगला है मार्शियल रेप, मार्शियल रेप के बारे में समझ लेते हैं। मैरिटल रेप, क्या मैरिटल रेप के बारे में समझते हैं। केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा दैट मैरिटल रेप ऑल्दो नॉट पिनलाइज्ड इन इंडिया, याद देखिए इसको लेकर कोई भी सजा नहीं दी जाती है मैरिटल रेप को लेकर भारत में, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने बोला इज अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स, ये एक ग्राउंड बन सकता है जिसके जरिए मेल या फीमेल अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 375 जो कि एक एक्सेप्शन है ऑफ द इंडियन पिनल कोड एग्जेम्प्ट करता है अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओवर 15 ईयर्स ऑफ एज from section 375's definition of rape and thus immunize such acts from the prosecution. yaad rakhiye abhi jo hai marital rape ko ek tarike se punish nahi kara ja sakta bharat mein. india is one of the only 36 countries where marital rape is not a legal crime. to ye bahut important cheez hai. legal provisions available to women, kaun kaun se legal provisions available hain women ko lekar. section 498 deals with the woman being subjected to cruelty by her husband or any relative of her husband. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिकॉग्नाइज करता है फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी एज पनिशेबल अंडर द इंडियन लॉ। हाउएवर मजिस्ट्रेट अंडर द लॉ हैज एब्सोल्युटली नो पावर टू क्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ मैन रेपिंग हिज वाइफ, नीदर कैन द मैन बी सेंटेंस। तो याद रखिए कोई पावर नहीं है, मैं बता रखा हूँ मैरिटल रेप को लेकर कोई भी एक तरीके से आप पनिश नहीं कर सकते किसी इंसान को। अगला है मर्सी किलिंग, ये भी न्यूज में रहा था, ये समझते हैं। हाल ही में दोस्तों मर्सी किलिंग एप्लीकेशन फॉर 9-year-old रेज्ड इन आंध्र प्रदेश कोर्ट, ठीक है। इतना यूथेनेसिया, या देखिए यूथेनेसिया क्या होता है, यूथेनेसिया मतलब होता है मर्सी किलिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ पेनलेस पुटिंग टू दैट पर्सन, या देखिए किसी अगर पर्सन को मौत की सजा सुनाई गई है तो उसको यूथेनेसिया के जरिए मौत दे दी जाए तो उसी को कहते हैं। यूथेनेसिया में क्या होता है, बंदे को दर्द नहीं होता और वो मर जाता है दोस्तों, ठीक है। रेफर्स टू द एक्ट ऑफ पेनलेस पुटिंग टू death a person who is either very old or very ill to prevent further pain and suffering, samjhe ki samjhe maar diya jata hai bina kisi dard ke usi ko kehte hain euthanasia। i hope aapko clear hoga, aapne kafi baar ye padha bhi hoga। it is of two types, yaad rakhiye euthanasia jo hota hai do tarike ka hota hai, ek hota hai passive euthanasia, ek hota hai active euthanasia, iske bare mein samajh lete hain। वैसे पैसिव और एक्टिव के बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम दोस्तों। इवोल्यूशन ऑफ euthanasia इन इंडिया, भारत में euthanasia का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इन गियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था दैट बोथ असिस्टेड सुसाइड एंड euthanasia वर अनलॉफुल, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी असिस्टेड सुसाइड है और euthanasia वाली सुसाइड है ये अनलॉफुल है, आप किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते। द बेंच स्टेटेड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, याद रखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संविधान का आर्टिकल 21 है इसके तहत हम लोगों को राइट टू लाइफ दे रखा है, राइट टू डाई नहीं दे रखा, मौत लेने का अधिकार नहीं है। दिस ओवररूल्ड द पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विद स्ट्रक डाउन सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड अटेम्प्ट टू सुसाइड एज अनकंस्टिट्यूशनल। तो याद रखिए इन्होंने ये जो पिछला केस आया था आर रथिनम का, इसमें दोस्तों स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 309 को ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड को करता है और इसको बोल दिया ये अनकंस्टिट्यूशन है, ठीक है आईपीसी के सेक्शन को। हाउएवर लेटर इन अरुणा सनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2011 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
Passive euthanasia could be given a note in case of exceptional circumstances and under strict monitoring of the apex court. याद रखिए बाद में बोला passive euthanasia को आप कर लीजिए, active euthanasia अभी भी allowed नहीं होगा. In common cases was a Union of India case 2018, Supreme Court upheld that the fundamental right to life and dignity includes the right to refuse treatment and die with dignity. लेकिन 2018 में एक famous case आया था, इसमें Supreme Court ने बोला कि भाई हम लोगों को dignity के साथ जीना या मरना ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है, तो इसीलिए आप यूथनेशिया के जरिए किसी को मौत भी दे सकते हो अगर उसकी हालत ऐसी हो गई है, बेड पे पड़ा है बेचारा, ना खा सकता है, उसी पे पॉटी कर रहा है, उसी पे सब कुछ कर रहा है, तो आप वो बंदा अगर उसकी मर्जी है मरना तो मर भी सकता है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है. ठीक है, याद रखिए, बिकॉज द फंडामेंटल राइट टू अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इंक्लूड अ पर्सन चॉइस टू डाई विदाउट सफरिंग, है ना भाई, मरना भी एक चॉइस है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आती है. एक्टिव और एग्रेसिव यूथनेसिया ऑन द अदर हैंड इज किलिंग पेशेंट बाय एक्टिव मींस, फॉर एग्जांपल इंजेक्टिंग पेशेंट विद अ लिथल डोज ऑफ ड्रग. समझे कि समझे, अब मैं समझा ही देता हूं एक्टिव और पैसिव होता है. दोस्तों एक्टिव मतलब होता है जिसके जरिए आप डायरेक्ट कुछ एक्शन कीजिए जिसके जरिए वो मर जाए. फॉर एग्जाम्पल आप उसको कोई ड्रग दे दीजिए, उसको जहर दे दीजिए जिसकी वजह से वो मर जाएगा. और पैसिव यूथनेसिया में क्या करते हैं, पैसिव यूथनेसिया में दोस्तों सपोज मान लीजिए कोई बंदा पेशेंट जो है बेड पर लेटा हुआ है और उसको ऑक्सीजन मुंह पे लगाई है, अब पैसिव यूथनेसिया में वो ऑक्सीजन हटा दी जाएगी, जो भी उसके ऊपर वो लगाई गई है ना मशीन्स, वो हटा दी जाएंगी और उसको धीरे धीरे मौत हो जाएगी, उसको कहते हैं पैसिव यूथनेसिया. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू.